गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 है उसको क्लियर किया था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है व्युत्क्रम अवयुह एवं रैखिक समीकरण, जो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर भी जो आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है सारणिक, उन्हीं का रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे। लेकिन इसमें एक नई चीज़ आती है, वो है किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, अर्थात इनवर्स मैट्रिक्स वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, क्या है व्युत्क्रम अवयुह। व्युत्क्रम अवयुह को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स, एंड रैखिक समीकरण है तो ये हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। क्लियर, तो व्युत्क्रम अवयुह एवं रैखिक समीकरण, इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस जो चैप्टर है वो आज आप हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें शुरू करें उसके पहले इसका थोड़ा सा बेसिक आप समझें। मैट्रिक्स जो है उसके यहाँ पर दो पार्ट आते हैं, ध्यान देना क्या क्या पार्ट आते हैं और कौन से पार्ट इसमें हैं। मैट्रिक्स के दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो है आपका जिसको अपन कहते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय अवयुह है, व्युत्क्रमणीय अवयुह है। एक इसका जो पार्ट आता है उसको कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयुह। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी चेक कर लें। व्युत्क्रमणीय अवयुह है उसको कहा जाता है आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अव्युत्क्रमणीय अवयुह है उसको कहा जाता है आपके सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है, तो इनको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखें व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें अवयव हैं 1, 3, 5, 6। ठीक है, आपको करना क्या होता है, जब व्युत्क्रमणीय आप मैट्रिक्स चेक करते हैं कि है या नहीं है, तो जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसको सारणिक के रूप में लिखें। उसको सारणिक के रूप में लिखेंगे 1, 3, 5, 6। क्लियर, अब इसका मान ज्ञात करें, मान कितना आएगा 6 - 5 = 15। आपके पास 6 में से 15 गए, आए -9 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के संगत जो सारणिक है उस सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आता है, भले ही वह पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बस 0 नहीं आना चाहिए, भले नॉन जीरो अगर है 0 के बराबर नहीं है, उस स्थिति में वो जो मैट्रिक्स है वो कहलाती है आपकी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। क्लियर है, इसी प्रकार से आगे चलें, अव्युत्क्रमणीय आप समझ गए होंगे कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है। ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव है 1, 4, 1, 4। क्लियर, इसके संगत भी सारणिक लिखेंगे पहले, तो ये हो गया 1, 4, 1, 4। क्लियर, इसको अब हल करें, 4 - 4 = 0। तो अब इस मैट्रिक्स का इस सारणिक का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसके संगत सारणिक है उसका मान 0 आता है वो कहलाती है आपकी अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय अवयुह कहलाता है। तो ये तो था पहले दोनों में डिफरेंस कि एक मैट्रिक्स है, एक अवयुह है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक व्युत्क्रमणीय अवयुह होता है, एक अव्युत्क्रमणीय अवयुह होता है। व्युत्क्रमणीय अवयुह वो होता है जिसके संगत सारणिक का जो मान है वो 0 नहीं आता है, और अव्युत्क्रमणीय अवयुह वो होता है जिसके संगत सारणिक का मान है वो हमें 0 मिलता है। तो ये तो है इन दोनों का बेसिक डिफरेंस। इसके बाद में इसमें एक पार्ट आता है, वो है किसी सारणिक का, किसी मैट्रिक्स का सहखंडज कैसे प्राप्त करते हैं। अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा किसी मैट्रिक्स अर्थात अवयुह का सहखंडज है वो कैसे प्राप्त किया जाता है। सहखंडज है तो इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे प्राप्त किया जाता है। देखो इस प्रश्नावली के अंदर बेसिक आपके है क्या, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका निकलवाएगा आपसे इनवर्स,
इनवर्स निकलवाएगा आपसे, व्युत्क्रम आव्यूह है वो निकलवाएगा। अब व्युत्क्रम आव्यूह निकालने से पहले हमें ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि क्या व्युत्क्रम आव्यूह होता है, क्या व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, क्या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, साथ ही सहखंडज क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होगी तभी आप इनवर्स मैट्रिक्स वो निकाल पाएंगे, क्योंकि उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए भी होता है, और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है उसके लिए आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो ये आपने अभी देखा कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है वो क्या होते हैं, ये आपने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स का सहखंडज। तो ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स का सहखंडज है उसको अपन परिभाषा के रूप में यानी थ्योरेटिकल रूप की परिभाषा पढ़ें, उससे पहले मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। इसको ध्यान से समझें कि कैसे किसी मैट्रिक्स का सहखंडज निकाला जाता है। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर अवयव हैं 1, 2, 3 और -5 ले लेते हैं अपन। ये आपके पास मैट्रिक्स है, हमें निकालना है इस मैट्रिक्स ए का सहखंडज अर्थात एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालें ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स दी जाती है उस मैट्रिक्स का सारणिक रूप लिखेंगे, यानी उस मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में लिखेंगे। उस मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में लिखेंगे तो ये अवयव हो जाएगा 1, 2, 3 और -5। अब इस रूप में लिख लिया तो आपको इसके जो सभी अवयव हैं 1, 3, 2, -5 उसके निकालने हैं पहले सहखंड सभी के। देखो सबसे पहले है जैसे 1 है, इसकी स्थिति नोट कर देता हूँ मैं ताकि आसान रहे आपके सहखंड निकालना। ये A11 है, ये A12 की स्थिति पे है, ये A21 पे है और ये A22 पे है। इसकी स्थिति भी समझेंगे तो परिभाषा बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन A11 इसका सहखंड निकालेंगे। तो A11 का अवयव कौन सा है, इक्वल 1 है, है ना। इसका सहखंड निकालेंगे, इसका सहखंड निकालेंगे तो चेक करें क्या आता है। आपको पता है सहखंड निकालने के लिए फॉर्मूला होता था -1 की पावर में i+j, और i और j का मान क्या है, 1 है, 1+1 हो गया। इसके बाद में इसको हल करना होता था, इसको हटाया, इसको हटाया, क्या आया यहाँ पे -5। अब ये सम संख्या है तो ये पॉजिटिव मान देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। इसी प्रकार से आप सबकी वैल्यू निकालेंगे। A12 कितना है, 3 का सहखंड बराबर -1 की पावर, 1 2 है तो ये हो गया 1+2। अब ये निकाल रहे हैं आप, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचा, 2 बचा। चेक करें, ये तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि ऊपर विषम संख्या में मान है, आगे प्लस के 2 है तो इसकी वैल्यू आएगी -2। इसी प्रकार से आप निकालेंगे A21 जिसका मान है 2, प्लस के 2 का सेकंड बराबर -1 की पावर 2+1, 2+1 ये है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 3 आते हैं, ये नेगेटिव देगा, ये प्लस के 3 है तो आगे वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। और सबसे लास्ट में आता है A22 जिसकी वैल्यू है आपके पास -5 का सेकंड बराबर -1 की पावर 2+2 और इसका भी है तो इसका आएगा 1। अब ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने सभी अवयवों के प्राप्त कर लिए सहखंड। अब आपको प्राप्त करनी है सहखंडों की मैट्रिक्स, ध्यान देना, सहखंडों की मैट्रिक्स जिसको मैं लिखता हूं Fij। भाई सहखंड को मैं F बोलता हूं, ठीक है। सहखंडों की मैट्रिक्स, तो आपके पास A11, A12, A21, A22 इन सभी अवयवों के सहखंड प्राप्त हो गए, इनको मैट्रिक्स के रूप में लिखो। तो A11, A12 ये पंक्ति के हो गए, -5 और -2, -5 -2, क्लियर। फिर A21, A22 कितने, -3 और 1, ये हो गया, ठीक है। अब ये तो है कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स थी उसके सभी सहखंडों की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई आपको। इसके बाद में लेकिन आपको प्राप्त क्या करना है, एडजॉइंट प्राप्त करना है। एडजॉइंट क्या होता है, आपके पास जो एफ आई जे आया है इस एफ आई जे का करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे याद करते हैं, मैट्रिक्स में किया है आपने, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभों में, प्रत्येक स्तंभ को पंक्तियों में अपन इंटरचेंज कर देते हैं तो ट्रांसपोज मिल जाता है। -5 -2 इसको पहला स्तंभ बना दो,
माइनस तीन माइनस एक, इसको दूसरा स्तंभ बना दो। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स आपकी मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट कहलाती है, अर्थात सहखंडज मैट्रिक्स कहलाती है, जिसको अपन लिखते हैं ए डी जे ऑफ ए। क्लियर है? तो किसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स ए कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए तीन प्रोसेस है। क्या है? पहला तो है कि जो मैट्रिक्स दी जाए उसको सारणिक के रूप में लिखेंगे, फिर प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाला जाएगा, फिर सहखंडों के अवयव को मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स के अवयवों का ट्रांसपोज किया जाएगा, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपको ये मैट्रिक्स अब ज्ञात करनी है। अब आप ये देखें कि ये तो इतना लंबा प्रोसेस है, क्या कोई ऐसा शॉर्ट मेथड है क्या जिससे हम दो के क्रम के अर्थात वर्ग मैट्रिक्स जो आएगी, भाई सीधी सी बात है इसके अंदर हम जो मैट्रिक्स लेंगे वो एक वर्ग मैट्रिक्स ही होगी। ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जिस मैट्रिक्स को हम इसमें लेते हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। अब इस मैट्रिक्स का सहखंड जो है, सहखंडज मैट्रिक्स जो है एडजॉइंट ऑफ ए है, वो ये प्राप्त हुआ। आप इसको देखें और इसको देखें और कंपेरिजन करें, देखें कुछ होता है क्या। ध्यान देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए आपने प्राप्त कर लिया, वो आपके पास मान आया है -3, -5, -3, -2 और 1 आया है। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखो और देखो कि क्या परिवर्तन हो रहा है ऊपर वाली में और नीचे वाली में, फिर अपन चेक करते हैं कि इनमें क्या संबंध है आपस में। आप चेक करें, यहाँ देखें आप कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, यहाँ देखें, अब यहाँ 1 था, यहाँ -5 था, जबकि एडजॉइंट ऑफ ए में क्या हो गया, ऊपर चला गया -5 और ये 1 है, ये आ गया यहाँ पे, यानी कि ये जो मान है इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, ये दोनों जो मान है ये परस्पर बदल गए, यानी अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। और यहाँ पे यहाँ देखो, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ भी 2 है, ये 3 है, ये दोनों वैसे की वैसे ही हैं, ये दोनों प्लस के थे, ये किसके हो गए, माइनस के। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बदले हैं अपने चिन्ह, क्या बदले हैं, अपने चिन्ह बदले हैं। क्लियर है? तो दो के क्रम की जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे प्राप्त करते हैं? दो के क्रम की एक मैट्रिक्स है, जैसे मैं यहाँ फॉर एग्जांपल लेता हूँ, एक दो के क्रम की एक मैट्रिक्स है कि 3, 5, 6 और 7, इसका आपको एडजॉइंट प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, शॉर्ट में ध्यान देना, इसकी एडजॉइंट प्राप्त करनी है तो क्या करते हैं, अग्रग विकर्ण के जो अवयव हैं, देखो परिभाषा क्या आएगी, अग्रग विकर्ण के अवयव हैं अपना स्थान बदल लेंगे। तो अग्रग विकर्ण में यहाँ 7 है, यहाँ क्या है, 3 है, इन्होंने अपना स्थान बदल लिया। और पश्च विकर्ण यानी पिछले विकर्ण के जो अवयव हैं वो वहीं रहेंगे, बस उनका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया -6 और ये हो गया -5। क्लियर है? 6 और 5 एज इट इज है, बस चिन्ह बदल गए और 3 और 7 ने अपनी जगह परिवर्तन कर ली। क्लियर है? ये काम होता है तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हो जाता है दो के क्रम का। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको इसका एडजॉइंट है वो प्राप्त करते हैं। ये तो शॉर्ट मेथड हो गया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब आपको किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट प्राप्त करवाता है केवल, तब आपको जैसे मैंने अभी बताया था सहखंडों के रूप में, इस प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करना है और फिर सहखंडों की मैट्रिक्स प्राप्त करनी है और फिर करना है उसका ट्रांसपोज, और फिर जो मैट्रिक्स आती है वो कहलाता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, वैसे ही प्राप्त करना है। लेकिन आगे के कई सवालों में, जैसे बड़े सवाल आएंगे उसमें डायरेक्ट अपने एडजॉइंट ए है वो ज्ञात करेंगे दो के क्रम की सारणी में, तीन के क्रम में तो ऐसा नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी बेसिक परिभाषा थ्योरिटिकल रूप में जो है, तो आपको अगर वो पता है कि रूल हमने क्या क्या नियम से कर किया है इसको, तो बहुत आसान है इसकी परिभाषा। अब परिभाषा है वो मैं तीन के क्रम की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ध्यान से देखें, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें अवयव हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? अब सबसे पहला काम क्या होता है कि दी गई मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में लिखें। सारणिक के रूप में लिखें भाई, क्या आता है A11 यही आ जाएगा, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। फिर क्या करते थे, फिर हमने सभी अवयवों के संगत सहखंड प्राप्त किए थे।
अब सभी के संगत सहखंड प्राप्त किए थे तो ध्यान देना, सहखंडों की सहखंड प्राप्त करके फिर उसकी मैट्रिक्स हमने प्राप्त की थी। अब चेक करो क्या कहता हूँ, सहखंड जो है उसको मैं प्राप्त करता हूँ तो उसके संगत जो मैट्रिक्स है उसको मैं लिखता हूँ एफ आई जे, क्लियर। अब A11 के संगत ध्यान देना, A11 के संगत जो सहखंड है, A11 का सहखंड, ये ध्यान रखना, इसमें एक मत कर देना, ये एडजॉइंट है, ये सहखंडज होता है और ये है सहखंड जो आपने मैट्रिक्स में उसमें मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट्स में प्राप्त किए थे। A11 का सहखंड क्या होता है, A11 के सहखंड को मैं मान लेता हूँ F11, ठीक है। इसी प्रकार से A12 का जो सहखंड है उसको मैं मान लेता हूँ F12। इसी प्रकार से सभी अवयवों के सहखंड निकालेंगे, लास्ट में जो A33 आएगा उसका सहखंड हो जाएगा आपके पास F33। तो ये जितने भी सहखंड प्राप्त हुए हैं इनको मैट्रिक्स के रूप में अपन लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा F11, F12 और A13 के संगत F13। इसी प्रकार से A21 के संगत F21, F22, F23। और सहखंड कैसे निकालते हैं, अभी हमने दो के क्रम की जो निकाली थी बिल्कुल उसी प्रकार से तीन के क्रम में भी निकाल सकते हैं, उसमें नौ मान निकलेंगे। ये लो, ये आपके पास आ गई FIJ। अब A का व्युत्क्रम प्राप्त, A का एडजॉइंट प्राप्त करना है, सहखंडज प्राप्त करना है, वो कैसे होगा, वो होगा FIJ है उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करना आपको आता है, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभों में, प्रत्येक स्तंभ को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाते हैं। पहली पंक्ति में F11, F12, F13 स्तंभ बना दो, F13। दूसरी पंक्ति F21, F22, F23, ये दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति F31, F32 और F33, ये आपको प्राप्त हो गई। तो सहखंडों की जो मैट्रिक्स आपके पास बनी थी आपने कर दिया उसका ट्रांसपोज, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनी है वो मैट्रिक्स कहलाती है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है। वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ध्यान देना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगी, ध्यान से देखें, ए मैट्रिक्स आपके पास है तो इसका एडजॉइंट ऑफ क्या होगी, पहली पंक्ति के संगत जो सहखंड आएंगे उनको स्तंभों के रूप में लिखा जाएगा। A11, A12, A13 है तो यहाँ लिखेंगे F11, F12, F13, A21, A22, A23 स्तंभ बना दो, F21, F22, F23 और इसी प्रकार से F31, F32 और F33। ये जो मैट्रिक्स है ये कहलाती है आपकी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ ए और ये है इसकी बेसिक परिभाषा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल रूप में जो परिभाषा आपको दे रखी है वो इसकी परिभाषा है ये, तो आपको वैसे नियम के रूप में याद रखने, स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है कैसे किसी का एडजॉइंट याद करते हैं। एक बार रिपीट कर लें कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए दे रखी है सबसे पहले हम लेंगे उसका सारणिक रूप, सारणिक रूप लेने के बाद में प्रत्येक अवयव का निकाला जाएगा सहखंड, उसके बाद में सहखंड जो प्राप्त होंगे उनकी उनको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, जो मैट्रिक्स किसकी होगी, सहखंडों की मैट्रिक्स होगी, और उसके बाद में हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलता है FIJ, जो सहखंडों की मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जब करते हैं तब निकलता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इस प्रकार से आप किसी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को निकाल सकते हैं, सहखंडज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का काम आपका ये है, कल हम पढ़ेंगे जैसे व्युत्क्रम अवयव है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो गई आपकी, उसके साथ में आपके एडजॉइंट जो है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है इस पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो आप इसके लिए मैं आपको आज क्वेश्चंस देता हूं, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इस परिभाषा को याद करना है अच्छे से। इसके साथ में आपको मैं तीन क्वेश्चन देता हूं, केवल और केवल तीन, और उन तीन क्वेश्चंस को आपको घर पे सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसके जो आंसर हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं, क्लियर है। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें अवयव हैं माइनस के 2, 1, 3 और 5, एक तो इसके आपको एडजॉइंट प्राप्त करनी है, ADJ ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, ये प्राप्त करनी है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर सेकंड है जिसमें आपके पास अवयव है 1, 2, 3, -4, -5, -6, 7, 8, 9 इसमें भी आपको यही प्राप्त करना है एडीजे ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए ही प्राप्त करना है। और इसी के साथ में एक तीन नंबर और दे देता हूँ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 तब इसका भी आपको ए डी जे आई डी जे वैसे लिख दो ए डी जे ऑफ ए प्राप्त करना है। ठीक है ये तीन क्वेश्चंस आपको आज सॉल्व करने एग्जांपल और इसके सबके आंसर मुझे मेरे नंबर पे सेंड करने हैं और आज आपको ये सीखना ही है कि कैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है वो निकाला जाता है। क्लियर है तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।